आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दिखता कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैट्रिक्स की बात की जाए, तो मैट्रिक्स दिखता कैसा है। ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसी को डिटरमिनेंट के रूप में देखना चाहूं तो कैसा दिखता है ये, तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, मैट्रिक्स कभी भी आप यूज करोगे तो ये वाला लगाना है आपको, और डिटरमिनेंट आप कभी भी यूज करना है तो आपको ये लगाना है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस, बच्चे का बहुत जगह कंफ्यूज होते हैं, डिटरमिनेंट में ये मैट्रिक्स वाला साइन कर देते हैं और मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट वाला साइन कर देते हैं, तो वो एग्जाम में गलत हो जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दिखता कैसा है, ठीक है। चलिए अब डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए अभी आइए उसको देखते हैं। अब जैसे एक 2x2 का मैट्रिक्स मैंने लिया, अब उसका डिटरमिनेंट मैं बोलूंगा आपको निकालने के लिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, मैंने बोला इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है। डिटरमिनेंट का मतलब क्या हो गया, ये वाला साइन अभी बताया था आपको। तो जब भी 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको निकालना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, दिस माइनस दिस, तो 4 1 4 माइनस 3 2 6, तो आंसर आपका आ जाएगा -2। काफी आसान था, ठीक है, 2x2 तो काफी आसान है। अब सीखते हैं 3x3 कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक मैट्रिक्स हम लोग ले करके देखते हैं, उसको देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने हम लोग जा रहे हैं, तो काफी ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें काफी परेशानी क्रिएट होती है बच्चों लोगों को स्टार्टिंग में, बट प्रैक्टिस करने के बाद कोई परेशानी नहीं है, काफी इजी है। अब देखिए फर्स्ट टर्म को मैं रखता हूँ, 1 को रख रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर से वही 2x2 में जैसे बताया था आपको, 45 माइनस 48, ठीक है। अब मैं ये वाले टर्म को रखूंगा तो -2, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 42, ठीक है। फिर +3 को रखेंगे इस वाले टर्म को, तो इसको और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, फिर जो भी आपका आएगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर आपने यहाँ पे वन, यहाँ पे सॉरी प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस क्यों करा, रीजन क्या है, प्लस माइनस प्लस क्यों करा, व्हाट इज द रीजन। चलिए मैं बताता हूँ आपको, अगर मान लीजिए इसका अगर मैं पोजिशन लिखूँ तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, हर एक एलिमेंट का ये पोजीशन है, ठीक है। अब देखिए A11 जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप ऐड कीजिए तो 1 + 1 क्या होता है, 2, दैट इज इवन, ठीक है। अब इसके नीचे वाले पोजीशन को ऐड कीजिए 1, 2 को, तो 1 + 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3, डेट इज ऑड। तो बच्चे याद रखिएगा आप लोग कि इवन वाले टर्म में हमेशा पॉजिटिव होता है और ऑड वाले टर्म में हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ये सिर्फ ऊपर वाले टर्म को ही क्यों रखा, 1, 2, 1 को ही क्यों रखा, आप 4, 5, 6 को भी रख तो करके रख सकते थे। हाँ बिल्कुल रख सकते थे, 4, 5, 6 को भी रख करके आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो आंसर सेम ही आएगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में आता है, ठीक है। तो चलिए
हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट भी देख लेते हैं और अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर करता है। ठीक है, चलिए इसको रब कर देता हूं मैं। शेप सिक्स प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा आप लोगों को डिटरमिनेंट से, और अगर वो सिक्स प्रॉपर्टी आपने अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया तो फिर कहीं परेशानी नहीं होंगी आप लोगों को इस चैप्टर में। हालांकि इसमें प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे लंबे लंबे क्वेश्चन भी वही होते हैं, बट अगर आपका प्रॉपर्टी क्लियर होगा तो आपको फिर अच्छे से समझ में वो चीज़ आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का। सबसे पहला प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक रो आपका जीरो होता है, कंप्लीटली जीरो होता है, ठीक है, कोई भी एक रो, तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। आप बोलोगे सर कोई भी, कोई सा भी रो, हाँ मैंने बोल दिया कोई सा भी रो, ये हो जाए चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, कोई भी रो लेकिन एक एक होना चाहिए, एक कंप्लीटली जीरो होगा तो जीरो होगा। ठीक है, और अगर कॉलम में भी होता है वो, जैसे 1 2 3 0 0 0 4 5 6, तब भी इसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर वन है ये डिटरमिनेंट का। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर टू देखते हैं, रब कर देता हूं मैं इसे फटाफट। तो प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर टू क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल का मतलब बता रहा हूं मैं, ये देखिए आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। देखिए ये दो रो सेम हो गया, अगर ये दो रो सेम हो गया तो इसकी वैल्यू भी जीरो होती है। ठीक है, नॉट ओनली इन द रो, अगर कॉलम में भी, अगर कॉलम में भी अगर सेम सेम हो जाता है, 1 2 3 1 4 8 कुछ भी ले लो, मुझे बस आइडेंटिकल दिखाना है, ये दो आइडेंटिकल हो गया तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, डायरेक्टली आपको लिख देना है जीरो। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे चलते हैं। चलिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहता है, अगर मान लीजिए कोई एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू आई 48। देखो बच्चा पार्टी, मैं कह नहीं रहा हूं कि इसकी वैल्यू 48 आएगी, आप लोग ये मत बोल देना सर ने गलत पढ़ाया। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, चलो लिख दे रहा हूँ, मैं एज्यूम करा मैंने ये 48 आया है। अगर मैं इसका इंटरचेंज करता हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 इधर लिख दिया, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तब भी इसकी वैल्यू 48 ही आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, फोर्थ पे चलते हैं बारी बारी से, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉपर्टीज कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मैंने अभी एज्यूम क्या करा था, मैंने एज्यूम कर लिया था कि भैया इसको सॉल्व करूंगा तो ये 48 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो रो को मैं इंटरचेंज करता हूँ, इंटरचेंज का मतलब मैं 4 5 6 को ऊपर लेके गया, 1 2 3 को नीचे लेकर के आया, और 7 8 9 अपने ही पोजीशन में रहेगा, तो फिर क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी -48, नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, एक बार और इंटरचेंज कर देंगे तो ये +48 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार इंटरचेंज करने पे नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आप लोग के लिए। तो प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ क्या कहता है आपसे कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करते हो 1 2 3 4, मैं ऐसा डिटरमिनेंट एक ले लिया और टू बाहर, अगर मुझे टू अंदर मल्टीप्लाई करना हो तो मैं क्या करूँगा, तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए, अगर ये मैट्रिक्स होता, अगर ये मैट्रिक्स वाला केस होता ये, तो आप लोग क्या करते, 2 1 3 4 5, अगर ये मैट्रिक्स वाला केस होता तो क्या करते आप लोग, आप लोग बोलते सर सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते सारे एलिमेंट से, और यही होता ही है मैट्रिक्स में, 2 1 2 3 2 6 4 2 8 5 2 10,
ठीक है, ये 10 लिखा है मैंने, 16 नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, टू हर एक एलिमेंट से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, बट ये डिटरमिनेंट है, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज आपको ये दिमाग में एडजस्ट करके रखना है कि ये जो टू है वो किसी एक रो या एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि अगर मुझे रो में चाहिए, R1 में चाहिए तो R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 में चाहिए तो R2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं चाह रहा हूं कि अभी R1 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 2 1 2, 2 3 6, और ये 4 5 एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5th भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रहा है अगर ये डिटरमिनेंट है, जैसे ए है प्लस कोई एलिमेंट इसमें एडेड है, जैसे मान लो λ1 ले लिया मैंने, बी प्लस λ2 ले लिया, सी प्लस λ3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, ए बी सी ले लिया, डी ई एफ जी एच आई ले लो, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब आप बोलोगे सर ये एक एलिमेंट ये R1 में एडेड है, तो अब इसको सर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा इधर नहीं लिखते हैं क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये तो एक पूरा ऐसा रहेगा, प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा λ1 λ2 λ3, और ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही अगर एलिमेंट ऐड होगा तभी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी, ये क्लियर है आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब एक और सिचुएशन मैं बता देता हूं, वो आप लोग गलती से भी मत कीजिएगा एग्जाम में। देखिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं वो भी यहां पे बता देता हूं आप लोगों को। चलिए अगर मान लीजिए मैंने आपको हर एक रो के साथ मैंने कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐड करके दे दिया आपको, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया ए प्लस λ1 बी प्लस λ2 सी प्लस λ3, ठीक है, फिर यहाँ पे आप डी प्लस कुछ भी लिख लो आप लोग, λ4 लिख लो, 5 लिख लो, प्लस λ6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, λ7 लिख लो, λ8 लिख लो, फिर इसको आप कुछ भी जे प्लस λ7 लिख लो, ठीक है। अगर मैं आपको इसको एक्सपेंड करने बोलूं, अगर आपने इसको एक्सपेंड करा तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स होता तब आप बोल सकते थे कि सर इसको अलग अलग कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो भी है, जी आई जे मैंने लिया है, ठीक है, ये गलत कर दिया मैंने, कोई नहीं, अब ऐसा नहीं है मैथ्स में आपको ए बी सी डी आना चाहिए, आई जे, ठीक है। प्लस अब मैंने यहाँ पे लिख दिया λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λ7 λ8 λ9, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये किस में एप्लीकेबल है जो मैंने अभी लिखा है, ये सिर्फ मैट्रिक्स में एप्लीकेबल है, ये डिटरमिनेंट में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लो तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम में
एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड हो सकता है, बट हर एक रो या हर एक कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड नहीं हो सकता। अगर ऐड होगा तो ये प्रॉपर्टी हम लोग नहीं लगा सकते। ये प्रॉपर्टी कहाँ लगेगा? ये प्रॉपर्टी लगेगा मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आई होप आपको डिटर्मिनेंट समझ में आया होगा, 2 बाई 2 कैसे करते हैं, 3 बाई 3 को कैसे करते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने इस वीडियो में बताया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, टिल देन, बाय बाय।